लंबे इंतजार के बाद आखिरकार राफेल लड़ाकू विमान अब भारतीय वायुसेना में शामिल हो रहे हैं। राफेल विमान भारतीय वायुसेना के लिए क्यों खास हैं, इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए आज मेरे साथ एक खास मेहमान हैं, एयर कमोडोर मिगेन सिंह जी। मिगेन सिंह जी एयरफोर्स में एक फाइटर पायलट के तौर पर अपनी सेवाएं दे चुके हैं, इसके साथ ही इनको लड़ाकू विमान MiG-21 सुखोई को उड़ाने का एक लंबा अनुभव है। मिगेन सिंह जी, वेब दुनिया में आपका स्वागत है। पहला सवाल ये है कि राफेल लड़ाकू विमान भारतीय वायुसेना के लिए क्यों खास है? विकास, ये भारत के लिए और भारतीय वायुसेना के लिए बहुत ही बड़ी उपलब्धि है। मेरे विचार से राफेल विमानों को भारतीय वायुसेना में कई साल पहले शामिल हो जाना चाहिए था, मगर कई कारणों बस ऐसा हो नहीं सका। फिर भी देर आए दुरुस्त आए। राफेल विमान एक बहुत ही आधुनिक विमान है और इनके भारतीय वायुसेना में शामिल होने से भारतीय वायुसेना की शक्ति कई गुना ज़्यादा बढ़ जाएगी। ये हम सब भारतवासियों के लिए बहुत ही शुभ समाचार है। मिगेन सिंह जी, आप चूंकि लंबे समय तक लड़ाकू विमान उड़ा चुके हैं, मैं एक आपसे एक्सपर्ट के तौर पे जानना चाहूँगा कि आखिर राफेल लड़ाकू विमान में ऐसी क्या खास बात है जिसको जो इसे अन्य विमानों की तुलना में खास बनाती है? पहली बात तो ये है कि राफेल विमान एक अत्याधुनिक फाइटर विमान है। इसे हम 4.5 जनरेशन फाइटर कह सकते हैं। इसमें बहुत सारी खासियतें हैं। पहला तो ये कि इसके जो एवियोनिक्स हैं, इसके जो रेडार्स हैं, इसके जो इंस्ट्रूमेंटेशंस हैं, वो बहुत ही लेटेस्ट हैं और बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी वाले हैं। दूसरा, इसमें जो वेपन्स कैरी किए जाते हैं, जो मिसाइल्स हैं और अलग अलग तरह के जो वेपनरी इसके अंदर है, वो बहुत ही एडवांस्ड है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाली है और हमारे ख्याल से विश्व की सबसे अच्छी टेक्नोलॉजी की वेपनरी कही जा सकती है। मेरे ख्याल से हमारे क्षेत्र में इस तरह की वेपनरी अभी किसी भी फाइटर एयरक्राफ्ट में, इस क्षेत्र में, भारत पाकिस्तान चाइना वाले क्षेत्र में, किसी भी विमान में नहीं है। और तीसरा जो सबसे बड़ी खासियत इसकी है कि इसको रडार से भी, जमीन से रडार में डिटेक्ट करना इस विमान को बहुत ही मुश्किल होने वाला है। तो इस तरीके से देखा जाए तो ये एक बहुत ही बड़ा खास तरह का विमान है जिसके आ जाने से हमारे भारतीय वायुसेना की शक्ति कई गुना ज़्यादा मजबूत हो जाएगी और हम अपने प्लान्स को बहुत ही अच्छी तरीके से एग्जीक्यूट कर सकेंगे। मिगेन सिंह जी, राफेल लड़ाकू विमान भारतीय वायुसेना में ऐसे समय शामिल हो रहा है जब पूर्वी लद्दाख में भारत और चीन की सेनाएं आमने सामने खड़ी हैं, LOC पर भी पाकिस्तान के बार बार सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है। ऐसे में वायुसेना के सामने की जिम्मेदारी बहुत बढ़ जाता है। राजनाथ सिंह ने भी कहा था कि भारतीय वायुसेना पर उनको गर्व है, जिस तरह उन्होंने पूर्वी लद्दाख में अपना ऑपरेशन अभी पिछले दिनों किया है, तो ऐसे में राफेल लड़ाकू विमान कितनी शक्ति दे रहा है? राफेल विमान का भारतीय वायुसेना में शामिल होना ऐसे वक्त में बहुत ही अहम माना जा रहा है, क्योंकि वैसे भी भारतीय वायुसेना की ताकत, जो सभी को पता है, बहुत ही ज्यादा है, मगर हमारे फाइटर प्लेन्स के बेड़े में राफेल विमान जब से शामिल हो जाएगा तब से हमारी ताकत कई गुना ज्यादा बढ़ सकेगी। और ऐसे समय में जबकि तनाव चीन और पाकिस्तान के साथ लगभग बढ़ रहा है, इससे हमें बहुत सहायता मिलेगी और बहुत ताकत मिलेगी। थोड़ा सा मैं मिगेन जी आपको पीछे लेना चाहूँगा कि जैसे बालाकोट एयर स्ट्राइक के समय सवाल उठा था कि अगर भारत के पास राफेल लड़ाकू विमान होता तो अभिनंदन पाक की गिरफ्त में नहीं आते, तो ऐसे में क्या अब भविष्य में भारत यदि एयर स्ट्राइक करना चाहेगा तो राफेल लड़ाकू विमान उसमें एक ट्रंप कार्ड साबित होंगे? राफेल के जरिए भारत अब आसानी से अपने दुश्मनों के खिलाफ एयर स्ट्राइक कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। जैसे मैंने पहले भी कवर किया था कि भारत में अभी भी जो फाइटर प्लेन्स हैं, जैसे MiG-29, Mirage-2000, जैगुआर, Sukhoi-30, इनकी अपनी अलग महत्ता है। ये भी बहुत ही मॉडर्न फाइटर प्लेन्स हैं, ये भी बहुत अच्छी तरीके से अपने काम करने में निपुण हैं, मगर राफेल एक अलग ही जनरेशन का फाइटर प्लेन है
और उसके आ जाने से भारतीय वायुसेना की ताकत कई गुना बढ़ जाएगी और रफाल प्लेन बाकी पहले के जो प्लेन अवेलेबल उनके साथ मिल करके अपने टारगेट्स को बहुत ही अच्छी तरीके से स्ट्राइक कर सकते हैं और सफलता प्राप्त कर सकते हैं।